एक दुकान है जहाँ पे मिलता है, वहाँ से ढूंढ कर लाना पड़ा। अभी इसको नींबू और जो जलजीरा है एवरेज वाला, उसे मिला के खाने में जो मज़ा है। व्हाट्सअप, अभी टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से 11:30 के आसपास। थोड़ा सा लेट करके उठ रहा हूँ, आजकल कॉलेज नहीं है ना, इसलिए मैं आधे घंटे पहले उठा हूँ, मतलब एकदम करेक्ट टाइम बोलूँ तो। लेकिन आज देखो वेदर कितना बढ़िया है, हवा मस्त चल रहा है ना, और एकदम ठंडा ठंडा सा हवा है। धूप ऐसे है, धूप नहीं है ऐसा नहीं कहूँगा, धूप है लेकिन हवा भी काफ़ी बढ़िया चल रही है। देखो पीछे से दिखाता हूँ, थोड़ा पूरा जो है क्लोजअप लेते हैं तब समझ में आएगा। देखो पत्ते कितना ज़्यादा हिल रहे हैं भाई, मुझे पता नहीं कि मेरा वॉइस कितना बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन हवा काफ़ी तेज़ है तो वॉइस रिकॉर्ड होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन हवा में मज़ा तो आ रहा है। ये देखो इसमें आइसक्रीम बना था, ये आइसक्रीम बनाने के लिए एक मतलब से ऊपर ये गोलो को प्लास्टिक, और इसके अंदर वो हैंडल रहता है आइसक्रीम पकड़ने के लिए। ये देख के आता हूँ, ये ऐसे जमा के पास वो देखो, वो इतना बढ़िया हवा चल रहा है, देखो बस काफ़ी मस्त हवा चल रहा है, मज़ा आ गया आज बाहर निकलने में, मज़ा बढ़िया हवा दे रहा है। देखो अभी यहाँ से तो और बढ़िया पता चल रहा है, पूरे पत्ते वत्ते सब हिल रहे हैं। इस पेड़ में ही सांप रहता है एक, मतलब गांव वाले बोलते हैं, मैंने एक दो बार देखा है, लेकिन यहाँ पे जो भी चल के जाता है ना वो लोग बोलते हैं कि इस पेड़ के ऊपर सांप रहता है। अभी फिलहाल इस साल में तो नहीं दिखा है, अगर लास्ट साल में दिखाता है तो येलो, हल्का हल्का येलो कलर का ऐसा एक सांप रहता है, ऊपर चढ़ जाता है, ऐसे ही कुछ है सीन। लेकिन हवा काफ़ी मस्त दे रहा है, देखो वहाँ पे खाना भी बन रहा है मेजों में। मेन बात वो नहीं है, मेन बात है कि हवा मस्त चल रहा है तो बाहर निकल सकते हैं हम, और बेबी हमारे साथ फन कर रहा है, देखते हैं। चलो बेबी बैठे बैठे कैसा गाना सुन रहा था, अभी चलते हैं, अभी कोई नहीं है फिलहाल कैफे में। नहीं देखो ओमा ही सुन रहे बेबी बैठे बैठे। थोड़ा सा अभी बाहर निकला हूँ गाइस, वो सुथौल लेना है, यहाँ पे बाबा दादा के दुकान में शायद नहीं मिलेगा, मैं इसलिए मैं रॉयल्टी मोड़ जाऊँगा, वहाँ पे चांसेस थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि गर्मी का महीना है, घमोड़िया थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। सुथौल तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना घमोड़िया के लिए, उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए, ऐसा कुछ मेन बात वो नहीं है। मेन बात ये है कि मुझे लग रहा था कि हवा काफ़ी मस्त चल रहा है, वो हमारे घर के पास में उतना बढ़िया गार्डन है इसलिए चल रहा है। यहाँ पे धूप ज़्यादा लग रहा है, धूप बहुत तेज़ है, और जहाँ पे पेड़ नहीं है वहाँ पे बहुत ही कम हवा चल रहा है। पैदल जा रहा हूँ तो सच में समझ में आ रहा है, वो हमारे गार्डन है उतने सारे पेड़ है इसीलिए उधर बहुत ज़्यादा हवा लग रहा है। बीच में कभी कभी हवा चल रहा है, कभी कभी पूरा बंद है, जब बंद है तब हालत ख़राब हो रहा है, जब चल रहा है तब ठीक है, लेकिन पैदल जाना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। तो मैं चलता हूँ सामने रॉयल्टी मोड़ के आसपास, कहीं पर कहीं पर तो मिल ही जाएगा, अभी देखो काफ़ी मस्त हवा चल रहा है, कहीं कहीं पर मिल जाएगा, सुधर लेते हैं घर चल और जाके मुझे नहाना है ना, नहीं कि मैं से रात को, तो आज मज़ा आने वाला है। कल वाला सेकेंड मैच तो पूरा एबंडन हो गया, इतना बारिश हो रहा था, पहला वाला मैच हुआ था आज शायद मेरे ख्याल से, देखते हैं। ले लिया है जो कि बाबा दादा के दुकान में भी नहीं मिलता, छोटू दादा के दुकान में भी नहीं मिलता, लेकिन एक दुकान है जहाँ पे मिलता है, वहाँ से ढूंढ कर लाना पड़ा। अभी इसको नींबू और जो जलजीरा है एवरेज वाला, उससे मिला के खाने में जो मज़ा है वो अलग ही है। बाबा दादा के दुकान से नींबू और जलजीरा ले लेते हैं, यहाँ पे मिलता तो यहीं पे सोडा ले लेते हैं, लेकिन मिलता नहीं है। आज मेरा थोड़ा सा जल्दी खाना हो चुका है, लेकिन नहाना अभी तक हुआ नहीं, और टाइम एज ऑलवेज हो रहा है 2:35 के आसपास। मेरा खाना थोड़ा सा जल्दी हो गया जो कि 3:00 के आसपास होता है, लेकिन नहाना थोड़ा सा आज लेट होगा। नहाना वैसे इस टाइम के अंदर होता रहता है, मतलब मैं नहाने चला जाता हूँ, लेकिन आज खाना जल्दी हो गया इसलिए नहाना लेट हो रहा है, दोनों में से एक तो होता ही रहता है ना। तो मेन बात वो नहीं है, मेन बात ये है कि ये जो पपी रखा हुआ कितना मस्त लग रहा है ना देखने में, काफ़ी मज़ेदार लग रहा है देखने में। और रात को अचानक से अगर नींद टूट जाए और लाइट तो रहता नहीं, लेकिन उसके आँखों के साइड में जो मोतिया है ना उसमें कुछ चीज़ें हैं, बाहर से हल्का भी लाइट आता है वो चमकने लगता है, उसमें अलग मज़ा आता है देखने में, और भी बेहतर मज़ा आता है। बात वो नहीं है, मेन बात जो है वो है कि देखो बाहर का हालत है, धूप थोड़ा बहुत है और हवा भी चल रहा है धीरे धीरे, मतलब कभी कभी चल रहा है कभी कभी रुक रहा है, कभी कभी चलती है कभी कभी रुकती है कहानी बेडंगी कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, ऐसा नहीं था कश्मीर मैं तू कन्याकुमारी, तेल बेचने जाए ये दुनिया सारी, ऐसा ही कुछ गाना था। तो चलता हूँ अभी नहाने के लिए, टाइम भी हो चुका है मेरे ख्याल से 6:00, अभी जल्दी नहा लेता हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा था इसलिए मैंने नहाने को जो है वो होल्ड करके रखा था, लेकिन इस टाइम पे अभी नहा लेना चाहिए, गर्मी धीरे धीरे कम हो रहा है, अभी उतना भी कम नहीं हुआ लेकिन धीरे धीरे हो रहा है कम, धीरे धीरे मध्यम मध्यम हल्का हल्का, तो नहा नहीं चलता। अभी गार्डन में भी कोई नहीं है और आंगन में भी कोई नहीं है और छत में भी कोई नहीं है, मम्मी थोड़ी देर पहले शायद थी, कपड़े डाल के चली गई हैं, मैं नहा के अभी निकला हूँ, 3:30 बज रहा है अभी, धूप है
लेकिन एज ऑलवेज आज सुबह से ही हवा थोड़ा बहुत चल रहा है। इस टाइम पे तो बहुत कम हो गया, सुबह के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और धूप भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि मेरे पैर में जल रहा है थोड़ा बहुत, अभी अभी आया हूँ मैं, पैर जल रहा है, काफ़ी ज़्यादा गर्म है। मम्मी को देख लेते हैं, मम्मी उस साइड में दरवाजे के पीछे, इसलिए दिखा नहीं मुझे, मुझे लगा कि मम्मी नहीं है इधर। इधर में अगर रहते हो ना, मैं यहाँ से आया उधर चला गया, मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं, इस जगह पे छाव है वैसे। हाँ, यहाँ पे हवा भी मिल रहा है इस जगह पे और छाव भी है, ये मस्त आ जाएगा। ये जितना भी पोर्शन है इस जगह के लिए, ये ऊपर वाले जगह के लिए, यहाँ तक छाव भी है और हवा तो आ ही रहा है, मज़ा है। आसमान, आसमान आज कुछ खास नहीं दिख रहा है फिलहाल इस टाइम पे, लेकिन थोड़ी देर बाद शायद दिख सकता है। मैं तो आया हूँ बाल सुखाने के लिए, मैं अभी अभी निकला हूँ ना आगे, तो शायद मेरे ख्याल से सूख जाएंगे थोड़ी देर रुकूंगा तो। हवा भी चल रहा है मस्त, रुक भी सकता हूँ, आराम से रुकते हैं। थिंक इट्स टाइम गाइज, बाहर भी देख सकते हो अंधेरा काफ़ी सही हो चुका है, टाइम हो रहा है 6:50, नीचे चलता है, 7:30 से मैच होने वाला है अगर आज बारिश नहीं हुआ तो। मेरे ख्याल से शायद नहीं हुआ आज, कहाँ पर अच्छा है शायद मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से बारिश नहीं हो सकता आज। तो चाय पी लेता हूँ मैं और चलते हैं नीचे, देखना भी है IPL। मस्त हवा मिल रहा, मस्त हवा दे रहे, काफ़ी सही, बाहर से देख के कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन मैं एक मिनट के लिए यहाँ पे खड़ा रहा, अचानक से इतना मस्त हवा चलने लगा, फिर से रुक गया, फिर से चल रहेगा शायद, ऐसे ही चल रहा है, रुक रहा है, चल रहा है, रुक रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन हवा काफ़ी बढ़िया था। गाइस मैच तो कल है, मुझे लग रहा था आज है, प्ले ऑफ में आ चुका है ना, तो कल एक मैच है, उसके बाद एक मैच है, फिर तो है एक दिन बाद, मतलब एक दिन बंद होके फिर उसके बाद एक दिन मैच है, क्योंकि प्ले ऑफ स्टार्ट हो चुका है। मुझे लगा कि आज मैच है वो वाला, लेकिन वो है कल वाला, जो कि है कोलकाता वर्सेस एस आर एच। मेन बात वो नहीं है, अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा वो हमारे रॉयल्टी मोड़ के पास, कुछ सामान लेके आते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरा निकलेंगे थोड़ा सा घूमने के। यहाँ पे इस जगह पे थोड़ा सा लाइट जो है कम है, यहाँ पे बीच में थोड़ा सा ज़्यादा गैप हो गया स्ट्रीट लाइट्स के लिए, नहीं तो हर तरफ बाकी पूरा लाइट। सही तरीके का जो है हवा चल रहा है, देख के भी पता चल रहा होगा, देखो यहाँ पे फ्लैग जो है वो हिल रहा है, काफ़ी मज़ेदार हवा चल रहा है। हम लोग अभी थोड़ा सा घूमने के लिए निकल रहे हैं, तो मैं सुबुदा भी निकल रहा, सुबुदा रेडी हो रहा है। मेन बात है कि निकलने के बाद हमारा हमेशा जो ये हवा होता है ना, ये रुक जाता है, तो आज नहीं रुकना चाहिए। देखो काफ़ी मस्त हिल रहा है हवा, पेड़ फेर, तो ये हवा जो है काफ़ी मज़ेदार आ रहा है। तो अभी शायद पैदल भी निकल सकते हैं, बाइक में भी निकल सकते हैं, मेन बात है कि हवा रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो मज़ा नहीं आता बिल्कुल। तो चलो निकलते हैं फिलहाल, मैं साइनिंग ऑफ गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट।